ए गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप सब आप बेटर होंगे। तो इस समय हम देख सकते हैं पीछे हमारे, फिलहाल तो मैं दिल्ली में नहीं हूँ और कल रात को हम आ चुके थे अपने गांव में, और यहाँ हमारे मेरे खाला के लड़के की शादी है, तो भाई उसकी तैयारी होनी फुल। तो आज के लोग इसी के लिए होगा कि गाँव में जो तैयारी होती कैसे होती है, क्योंकि यहाँ पर लोग घर बहुत बड़े बड़े होते, तो बैंक्वेट हॉल कुछ लोग करते हैं जिनके घर बड़े नहीं है। मौसम भी और आज थोड़ा मौसम भी देखो बादल हो रखे हैं और सुबह सुबह बारिश हो चुकी है, देख सकते हैं पूरा यहाँ कीचड़ कीचड़ हो रखी है। तो अभी हम फिलहाल जा रहे हैं, व्लॉग के एंड तक रहना, काफ़ी मज़ा आएगा, यहाँ पर फुल फन करेंगे, काम के साथ मज़े भी ज़रूरी है करना। तो अभी हम जा रहे हैं फिलहाल टेंट हाउस, सारा टेंट का सामान आ चुका है, लेकिन अभी हमें एक भगोने की नीड पड़ी है। जानते हो भगोना कैसे बोलते हैं, जैसे सब्जी बनती है, मतलब एक जो भी समझ लो आप, तो वो बनेगा, जा रहे हैं वो लेने के लिए टेंट हाउस। तो चलते हैं, अभी हम फिलहाल अपन निकल चुके हैं अपनी बाइक प्लेटिना से, यहाँ की जो मर्सिडीज बोलते हैं उसको, और ये सजावट स्टार्ट हो रखी है। और देख सकते हैं हमारे गोदाम के बाहर केले के पेड़ हैं, और ये है ताड़ के पेड़। आपको लगेगा ऐसे जैसे आप गोवा में आ चुके हो, देख सकते हैं। साथ देने के लिए है सामने, देखियो तो हमारा साथ देने के लिए हमारे भाई सुमाइल भाई, ये बहुत अच्छे राइडर है गांव के हिसाब से, तो आज ही हमारे साथ रहेंगे दिन भर। हमारी रोटी कोई तेरा आदमी किसी को रोटी नहीं मिलेगी, ना बाबची बांध के ले जाएगा, पैसे ले कर लो। नहीं नहीं मैं तो बता दे रही हूँ, जो बीज बीज ना दे बांधो तुम करो है। दोस्त आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर टेंट लगना स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पर ना बारिश हो के थोड़ा हालत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि सारी प्लानिंग यहीं की थी। आज है 1 तारीख, आज है हल्दी, और कल है बारात जाएगी, कल शादी है, तो अब इसका जुगाड़ करेंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि देखो लगना यहीं पर ही है और बैंक्वेट हॉल हो नहीं पाए हैं। तो हमारे इसके बारे में बताएंगे हमारे शोमाइल भाई, मैंने क्या बोलना चाहते थे, क्या बोलूं क्योंकि मालूम है अभी तो बैंक्वेट हॉल हो नहीं पाएगा एकदम से। अफन भाई के ट्रैक्टर है, और अफन भाई हमारे ट्रैक्टर लेके आए हैं, वो भट्टे से मट्टी खोदेंगे जाके, और फिर यहाँ पर भट्टे में मट्टी डालेंगे ताकि ना कीचड़ खत्म हो जाए, और ये फिर यहाँ पर कीचड़ खत्म हो जाएगा, उसके बाद टेंट लगेगा, फिर आगे की कार्रवाई आपको दिखाते हैं। और इन भाई का टेस्ट है, और कल ही इनके भाई की शादी है, और कल ही इनका टेस्ट है, कल स्कूल जाना है, इसी बात की खुशी, कल इनको स्कूल जाना है यार, कल इनके भाई जाएंगे बारात लेके और ये स्कूल जाएंगे। मुंह देखो ना कैसा हो रखा है। अच्छा हुमन लगा कौन रहा है, दुकान पे खड़ा हुआ परसों, परसों तरफ परसों खड़ा है, परसों का। अच्छा एक बात तो उस मजबूरी का फायदा हम उठा कर, हम तो मान ली बात, लेकिन सुनना तो पड़ेगी यार, हमारा मेहमान मांडा ताजा ना खाए कभी जीवन में, इधर बताना तुम अबटे आओगे भी नहीं तुम, ये नहीं घबराड़े लगा के उल्टे थी। हाँ, और ये छोटा मांडा नहीं, मांडा बड़ा बबरती से ये गया 25,000 रुपए पकड़ो, जैसे सुन लो गोश खराब हुआ नाली में पैसे डाल लूंगा, गिरूंगा नहीं, इधर ये काम बढ़िया था, तू यार फोन पे बात कर अभी, देख सकते हैं भाई बरसात के चक्कर में ना सबसे बेकार वाला टेंट लग रहा है, क्योंकि पानी बरसेगा तो नीचे आएगा पानी, तो इस चक्कर में ये वाला टेंट लगा दिया, क्योंकि ज्यादा महंगा टेंट लगवाने का फायदा नहीं था। देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट हुआ टेंट इस साइड से और यहाँ तक जाएगा, तो भाई बारिश से चक्कर में थोड़ा मज़ा ख़राब हो चुका है पूरा। और अब जो ये कीचड़ है इसका जुगाड़ करने जा रहे हैं, ये ट्रैक्टर खड़ा है, ट्रैक्टर में जाएंगे, सामने देख सकते हैं भट्टा दिख रहा होगा आपका, वहाँ पर वहाँ से मट्टी भर के लाएंगे, यहाँ पर डालेंगे आके, दिखाते हैं आपको भट्टे पर जाकर। चलो भाई चलो, सब दिन आ गए हैं, चलो तो आप जा रहे हैं सारे भट्टे पे भाई जी।
नहीं गिराना मत, गिराना मत। कितने वाली है आई डाले, कितने वाली है? ये शाह भाई शाह बढ़ा, ये शाह भाई ये दूसरा ट्रैक्टर आ चुका है, इसमें जाएगी सारी मिट्टी वाली उठ के, इसके अंदर जा रही है और एक ट्रैक्टर अभी खुदाई कर रहा है। और ये भाई मिट्टी यहाँ से मालूम मिट्टी को लेना है, क्योंकि ये मिट्टी है पत्थर की, इसके अंदर पानी नहीं भरेगा, अगर दोबारा बारिश होगी ना तो इसके अंदर पानी नहीं भरेगा, इसलिए वाली मिट्टी लेने आए भट्टे वाली। ये सारी मिट्टी भरी जाएगी, देख सकते हैं रेड मिट्टी है, अंदर भर के इस ट्रैक्टर में ले जाएंगे अंदर गुजारने के लिए। भाई सारे लोग लग चुके हैं यहाँ पर, देख सकते हैं फुल फॉर्म में सारे भाई, हम नए साइकिल पे तीनों भाई, ये हमारे बैठे खान साहब भाई, हम है अब ये अपने अपने ट्राली उपरोट देगी। हाँ सब मिलने को है। ये अब लग चुका है थ्रेशर का पाइप, इसमें अब प्रेशर जाएगा अपने हिसाब से, पता नहीं क्या होता है, पता नहीं इसके बारे में भाई। देखो ये उठा ऊपर को, ट्रैक्टर से ट्राली नहीं उठ पाई तो हमने मंगाया दूसरा ट्रैक्टर। पूरी ट्राली यहाँ पर खाली हो जाएगी और सारी मिट्टी जो नीचे आई है सारी यहाँ पर फैल जाएगी, तो यहाँ की कीचड़ खत्म हो जाएगी। जब हम सबको थकान होगी तो हमने मंगाया दूसरा ट्रैक्टर जिसकी ट्राली काम करे, उस ट्राली ने फिर काम कर दिया और अपनी ट्राली उसने ऊपर उठा ली। हमने ट्रैक्टर से मिट्टी डालने के बाद पूरे ग्राउंड में फिर हम चले गए रात का फंक्शन तैयार करने के लिए। फिर मैंने सजाई जो हल्दी का रिसेप्शन था, वहाँ बैलून लगाया, उसके बाद मैं रेडी हो चुका था, देख सकते हैं मैं येलो कुर्ता पहन रखा है। फिर उसके आगे देख, सजाने के बाद शादी
बिजी है, इन भाई की कल शादी हो जाएगी, फिर उसके बाद अपनी लाइफ में यही बिजी हो जाएगी, और बाकी बातें प्राइवेट बातें हैं वो, और उसके बाद साल आएंगे हम चाची कल के बाद, कल जब बारात जाएगी कल आप कर लिया, और रात के बज गया ढाई, देख सकते हैं आप इंजॉय करते करते, और अभी सन्नाटे बीच में सब चले गए भाई बार, अब मैं जा रहा हूँ सोते करते, तो मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आपको मज़ा आया होगा, आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा, गांव की लाइफ बहुत बेटर होती है, तो अगला ब्लॉग देखना ना भूलना, तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।